पापा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मैं तो बैठ सकता हूँ। अरे तू तुमको खड़े रहने के लिए किसने बोला? ठीक है, क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ है? कहीं सांस फूल रही तुम्हारी? मुझे ये बताइए कि इस घर में रहूं या ना रहूं? अभी ना रहने वाली बात क्या आ गई है भाई? कब से रह रहे हो तुम इस घर से? मैं इस घर में बचपन से रह रहा हूँ। बचपन जब से पैदा हुआ? जब से आपकी आपकी ही देन हूँ। बस ये है कि जब से आपने मेरी शादी कराई है पूरे दिन भर धक्के खाता हूँ। बिजनेस के सिलसिले में ये फोन, ये मीटिंग, वो मीटिंग। तो इसके बाद बस घर में घुसते ही एक नया धक्का शुरू हो जाता है। अब ये आपके कहने से आपने बोला सुशील लड़की से शादी कर, मैंने कर ली। तो अगर लड़की सुशील नहीं है? पूरी सुशील है। तो फिर क्या प्रॉब्लम? लड़की के अंदर क्या खोट नजर आ रहा है तुमको? मेरे और विवाह के अंदर में कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आते के साथी पानी नहीं पूछना, रोटी टूक नहीं पूछनी, मम्मी जी ने ये कह दिया, मम्मी जी ने वो कह दिया, मम्मी जी ने ये कर दिया। अब ये बताओ, ऑफिस के फोन देखूं कि अपने विवाह को समझाऊं, माता जी से का हाथ जोड़ लिए, आखिर बस ये बता दो, वह तो बिल्कुल ही टूट चुका। अच्छा चलो एक काम करो, थोड़ा सांस ले लो पहले, तुम्हारी सांस उखड़ गई है। ये कैसे उखड़ी? तुम कहीं से भाग कर आ रहे हो? भाग के क्या? हाँ तो आराम से सांस लो ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से कौन से पहाड़ से चढ़कर आए। पहाड़ वालों से तो लड़ लो पिताजी, घर वालों से लड़ना मुश्किल है। अभी मेरी बात सुनो बेटा, एक बात ध्यान से सुनो। तुम मम्मी से आज पहली बार मिल रहे हो? मम्मी के बारे में तुमको आज पहली बार पता चला है? कब से जानते हो मम्मी को? जब से पैदा हुए आज तक उनको संसार में कोई ऐसा सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं है जो तुम्हारी मम्मी को पसंद आ सके। उनको तुम्हारे पिताजी तो कभी पसंद आए नहीं। उनका कोई भी काम पसंद, चाहे करोड़ों रुपए लाके कमा के दे दिए, पहले तो पैसे की होती थी प्रॉब्लम, अब उनको पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी तो किसी ना किसी नौकर की, बाई की, वो सब झंझट लेके बैठ जाएंगी। उनका तो बिहेवियर ही ऐसा है। ये मैं समझ, उनका बेटा, उनका जीवन इसी काम में निकला है, और मैं अगर जिंदगी भर इसी काम के झंझट में फंसा रहता तो ये जो कारोबार इतना सेट किया हमने वो नहीं कर पाते। बापू इस चीज से दिक्कत नहीं है, बिजनेस से बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है। आपका और मेरा काम ठीक चल रहा है, पर जैसे ही घर में घुसता हूँ पढ़ी लिखी बहू आपने ला दी। मैंने सोचा था चलो माँ है, बूढ़ी हो चुकी है, बदलाव करना मुश्किल है। माँ से भी बात करी मैंने कि देख माँ, नई बहू आई है, बेटी है तेरी। हाँ बिल्कुल, उसके अपने संस्कार से, हमारे अपने संस्कार से ठीक इसमें रहेगा। तू अपना समाई कर थोड़ी सी, वह अपना समाई करेगी। पर बापू माँ ने तो हाथ जोड़ लिया कि बेटा मैं कुछ को ना कहूँ, मैं तो कुछ भी ना कहती, पर वाह पीछे से कुछ ना कुछ चटर पटर कर दी। अब माँ से मैंने परसों ही बात कही, माँ ने कह दिया बेटा मैं कुछ ना कहने का, आज आया हूँ। फिर विवाह को भी मैंने समझाया कि देख, विवाह को भी मैंने समझाया, प्यार से भी बात कहूँ मैं उससे, तो प्यार से प्यार से बाहर के लोगों के लिए विवाह से ही मेरे लिए विभू भी कह दूं मैं कभी, मेरे विभू देख ऐसा है तू पढ़ी लिखी है, मेरी माँ पुराने जमाने की। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। जी बात तू मेरे साथ कर रहा है, लाइट की तरफ क्यों वो अगले कमरे में वहां बैठी सुन रही कोने से, उसे भी तो मेरा पार्टनर चाहिए। बापू से बात करने गया है, ऐसा बोल क्या है तुम? मैं उसको बुलाओ मेरे, मैं क्यों छुपाऊं, मैं क्यों छुपाऊं, मैंने क्या किसी का लेके खा रखा है? मेरी बात सुनो, आजा 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 आजा, बेटी से बात, तू आ जा, आजा तू भी मेरे, तू भी बैठ, कुछ करिए ना।
एक मिनट, ये कुर्सी मेरे पास है, मैं किससे छुपाऊंगा भैया, आमने सामने आ जाओ, माँ को भी बुला दो, मैं तो कति पागल हो गया हूँ। मेरी बेटी है तू जी, तो इधर हो जा मेरे पास। ये तेरा क्या लगता है? पत्ती बैठ जा। मेरी तरफ से क्यों अपना ढेका क्यों दिखा रही है? इसे बैठ जरा, मेरी तरफ मुंह करके बैठ। कभी भी बड़ों को अपने चूतर नहीं दिखाए, बड़ों के सामने मुंह तो मेरी बेटी है, मेरे से कोई तकलीफ नहीं। तो ये तो सबसे प्यारे, कितने प्यारे आते थे, मैंने आज पहली बार देखी। अब कदी से ऊपर नखा बन रही थी अंदर, ये बड़ी बेटी तो मैंने सब... बात करने का ढंग होता है बेटा, एक मिनट रुक जाना जी। इससे तेरे को कोई तकलीफ है? नाम भी नहीं जानता बाबू जी। नाम के बगैर ही सब कुछ हो रहा है प्यार में, कोई से भी नाम ले ले, सब चालस है। अच्छा के बात सुना ध्यान से, सिर्फ एक ही इंसान से तकलीफ है, मेरे से कोई तकलीफ इनसे भी नहीं, खाली नाम नहीं जानता। अब देखो बेटा सुनो, जीवन में काटना बहुत आसान है, मैंने समझाया, जोड़ना सबसे मुश्किल है। ये जिस तरह से आगे ये कर रहा था, मुझे लगा किसी ने बहुत बुरी तरह मारा इसको बाहर। तूने तो नहीं हाथ छोड़े बेटा इसके ऊपर? तो फिर ये इतना हाँप क्यों रहा था? ये बहुत जल्दी हाँप जाता है ना। बात सुनो जी, तुझे क्या करना है कि माँ से अलग रहना जी बाबू? तू एक एक बेटा, तुझे माँ से अलग रहना और मेरे से भी अलग रहना। मेरे को एक बात बता, तुम लोग दोनों मेरे को बुढ़ापे में छोड़ के चले जाओगे? मेरा तो मन अभी मैं तुमको एक इलाज बताऊं, मेरे साथ तो तेरे को कोई कष्ट नहीं है ना, तेरे को भी कोई कष्ट नहीं है? कोई कष्ट नहीं बापू तेरे, तो एक काम करते हैं, सबकी गेम है। सुबह सवेरे तुम उठ के तैयार होके तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ के मेरे ऑफिस में चलो। इतनी पढ़ी लिखी बच्ची है तू, है मेरे अकाउंट्स वगैरह वो करन लिखना नहीं है, केवल देख कि जो अकाउंटेंट है यार ये मक्खी क्यों आ रही है पागल थी। मेरा कहने का मतलब है तू केवल अकाउंट्स को देख, फाइनल अकाउंट्स को देख कि क्या उन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, क्या उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, तुझे भी पता चलेगा कि हम लोग कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं। ठीक है ना, हमारे साथ रहे। फिर शाम को जब आएंगे तो माँ की तरफ जा ही मत ना, तेरी जगह मैं उसके पैर को हाथ लगा दूंगा। बात क्लियर हो गई? पानी सर से उतर गया, उतर गया ना, चढ़ तो नहीं गया ना, उतर गया। अच्छा पानी सर के ऊपर चढ़े तो बात खत्म होती है, कोई उतर जाए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए उतर गया सर। अच्छा तो तू अपना रास्ता नाप ले, बेटी मेरे बापू देख, मैंने कति सोच लिया, भी आज से भी पूछ लिया, इसकी भी राजी मेरी भी राजी, हम अलग रहना चाहते हैं, हम रोज 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 की चीख चीख मारे बस की कौन आ। चलो बेटा मैं तुम लोगों का दुख समझता हूँ बेटा, अगर घर मैंने आपसे कोई तकलीफ, अगर घर में ही रहना है तो तुम लोगों के लिए कोई जगह किराए की, अभी मेरे पास घर नया खरीदने की तो हिम्मत नहीं है, उतना पैसा आजकल करोड़ों में घर आता है। ठीक है, एक 6 लाख रुपया मैं साल का खर्चा कर दूंगा, 50,000 रुपया महीने का आपका घर का। तो पैसे की लोड ना सर। क्यों, फिर किधर से आएगा? मेहनत एक ही बिजनेस से निकलेगा ना बेटा, कोई बात तो कोई बात नहीं, हम मैं खर्चा करूंगा। तुम अपने बच्चों की अपने औलाद की खुशी के लिए तो माँ बाप सब कुछ करते हैं बेटा, अब तो कोई चिंता वाली बात। और जब तक तुम्हें घर किराए पे नहीं मिल जाता तब तक सह ले जाओ, इतना सहा थोड़ा और सह ले, नहीं तो मेरे साथ तब तक तो मेरे साथ चल। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखो, अरे ओ बाबू थारे तो पल्ले कोई पड़े ना बात को ना पड़े, मारी बात तो समझ ले। हाँ मैं बोलूँ? बोल बेटा, तब तक तू मेरे साथ चल और मेरे साथ आ। ठीक है,
अब इसको कभी टूर पे जाना पड़े या जो भी कुछ है, तभी अकेली घर में क्या करेगी? अगर अकेले रहोगे तब घर में अकेले क्या करेगी? ये देखा तो समस्या का हल ढूंढा ना इसने, तो फिर रात को अकेले तू हमारे घर में ही आ जाया करना थोड़े एक दो दिन, जब ये टूर पे जाएगा मैं माँ के घर भी चलूँगा हमको छोड़कर। अच्छा चल माँ के घर, कभी कभी तू माँ के घर भी चली जा, मम्मी को अपने मिल के आना, समस्या का हल ढूंढते बेटा। हाँफते नहीं है, समस्या को देख के हमारे सोल्जर अगर हाँफने लगे तेरी तरह तो सबको गोली लग जाएगी, वो तो गोली मार के आते हैं। जिसके सिर पे पड़ा है थोड़ा सा उससे भी, थारे सिर पे क्या पड़ गया जो तेरे को दर्द हो रही है भाई? दर्द तो इससे होनी चाहिए थी, ये तो बड़े शांति से मेरे साथ बात कर रही है। कती बेटी बंडी से जी अकेले कमरे में मेरी के बात कर, थारी गत बनावे सर, कती धुम्मा ठा दिया था इसने कि अब भी बात करो, अब भी बात करो बापू से, मैं कौन है? मैं तेरे को एक बात बताता हूं, कर्म फूट लिया उन मर्दों के जिनकी गोरी, जिनकी बीवी गोरी से, कर्म फूट लिए उन मर्दों के जिनकी बीवी गोरी से, बाजार में जावे तो अरे ताकम ताकी हो रही से, बाजार में जावे तो ताकम ताकी हो रही से, कर्म फूट लिए उन मर्दों के जिनकी बीवी मोटी से, दरवाजे में खड़ी हो तो धाकम धाकी हो रही से। तो तेरी बीवी तो इतनी प्यारी है, फिर भी तेरे को इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आई थारी बात, मारे समझ में ना आवे। अब समस्या का हल हो गया, फिर सांस क्यों फूल रही तेरी? क्यों फूल रही से समस्या समाप्त? क्यों क्या फूल रही से बेटा, तेरी तो सांस ठीक है, इसकी क्यों फूल रही है? थोड़ा गर्म पानी पिला, सांस ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब अलग 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 रह लेगी, फिर मेरी जान तो ना खावे, इससे अलग रहना तो इससे भी अलग करवा देते, तो फिर किससे रहेगी? फिर किसी और के साथ शादी करेगी जाके? हाँ, गृहस्थी कैसे चलाएगी बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। विभू जो मन में है खुल कर बता दे। थारे को छोड़ के जा रही है वो, उसका नाम स्पेलिंग वगैरह लिख के तो मान ले, कैसे उसका नाम प्रोनाउंस प्यार में सब चले से मन में, तो फिर उसको अगर नाम याद नहीं रहता तो डार्लिंग बोलना। विभू में क्या परेशानी, मेरे मन में विभू है, थारे दिमाग में अगर उसको ना चल ले ना, ना चल ले तो वह मेरे से कह लेगी, कोई दिक्कत नहीं, दरअसल की बात है, अब जाके मना उसको। जी बापू मना ले, जा कुछ काम कर। कहाँ है विभू?